आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 का विषय हिंदी फर्स्ट महान व्यक्तित्व से पाठ 29 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के बहुत ही बड़े देशभक्त थे। इसके साथ ही साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनका देहांत 28 फरवरी 1963 में पटना में हुआ था। बच्चों आगे हम लोग इनके जीवन के बारे में बुक की सहायता से पढ़ेंगे। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 29, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रात्रि आधी से अधिक बीत चुकी थी। एक युवक बिस्तर से परेशान सा करवटें बदल रहा था। दूर दूर तक आंखों में नींद न थी। उसे कानों में राष्ट्रीय नेता गोखले के शब्द बार बार गूंज उठते। याद रखो युवकों, देश का भी तुम पर अधिकार है, तुम जैसे लोगों पर उसका अधिकार और भी अधिक है। मातृभूमि विदेशी शासन में जकड़ी हुई थी और उसे उनकी जरूरत थी। वह भारत माता की पुकार कैसे अनसुनी कर सकते थे, परंतु उनकी माता जी और बड़े भाई साहब को यह पसंद नहीं था। राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बात पत्र के माध्यम से बड़े भाई साहब तक पहुँचाई। मैं आपके सामने ये बातें न कर सका, आपको कठिनाई में डालना मुझे शोभा नहीं देता। आपने मुझसे बड़ी बड़ी आशाएं बांध रखी हैं, वे सब एक क्षण में नष्ट हो जाएंगी। मेरी यदि कुछ महत्वाकांक्षा है तो वह यही है कि मैं भारत माता की कुछ सेवा कर सकूं। राजेंद्र प्रसाद को बचपन की जो सबसे पहली घटना याद है वह अपने हिंदू और मुसलमान दोस्तों के साथ कबड्डी और दूसरे खेल खेलने की है। उन्हें गाँव के मठ में रामायण सुनना और स्थानीय रामलीला देखना बड़ा अच्छा लगता था। उनमें चरित्र की दृढ़ता और उदार दृष्टिकोण की आधारशिला बचपन में ही रखी गई थी। वे बचपन से ही बड़े सौम्य और होनहार थे। उनके स्कूल के दिन परिश्रम और मौज मस्ती के मिश्रण थे। उन दिनों यह परंपरा थी कि शिक्षा का आरंभ फारसी की शिक्षा से किया जाए। राजेंद्र प्रसाद 5 या 6 वर्ष के रहे होंगे जब उन्हें और उनके 2 चचेरे भाइयों को एक मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे। लड़कों ने अपने अच्छे स्वभाव वाले मौलवी साहब के साथ शैतानियाँ भी की मगर मेहनत भी की। वे सुबह बड़ी जल्दी उठकर अध्ययन कक्ष में पढ़ने के लिए बैठ जाते। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता। वास्तव में यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतने छोटे बच्चे बहुत देर तक ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकेंगे। यह विशेष गुण जीवन पर्यंत उनमें रहा और इसी गुण ने राजेंद्र प्रसाद को विशिष्टता भी दिलाई। उन्होंने अपने शैक्षिक जीवन की सभी परीक्षाएँ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सन 1915 में कानून परीक्षा में वे 5 प्रांतों में प्रथम आए। मेधावी छात्र होने के कारण उन्हें अनेक छात्रवृत्तियां प्राप्त हुईं। उनके बारे में कहा जाता है कि जिस कक्षा की उन्हें परीक्षा देनी होती थी वह उसके आगे की कक्षा की भी पुस्तकें पढ़ा करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनेक सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की सभाओं में लगन एवं उत्साह से भाग लिया। वे जिस काम को हाथ में लेते उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। सन 1906 में उन्होंने बिहारी युवा छात्रों को संगठित कर उनका नेतृत्व किया। शिक्षा दीक्षा के बाद मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज में अध्यापन कार्य, कोलकाता विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में प्रोफेसर, पटना हाईकोर्ट में वकालत। पटना हाईकोर्ट में वकालत में उन्हें खूब सफलता मिली। उनकी जिंदगी जितनी आमदनी होती थी उसमें गरीब विद्यार्थियों का हिस्सा अवश्य होता था। वह अपनी आमदनी का अधिकांश भाग प्रायः गरीब विद्यार्थियों की सहायता में खर्च करते थे। संयोग से इन्हीं दिनों बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्रता प्रेमी थे, अतः देश की सेवा के लिए उन्होंने वकालत की आमदनी से मुंह मोड़ लिया और वह स्वदेशी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का वास्तविक अवसर सन 1917 में चंपारण सत्याग्रह में मिला। यह भारत का प्रथम किसान आंदोलन था। यहीं से उन्हें राजनैतिक और राष्ट्रीय जीवन का शुभारंभ हुआ। अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध नील की खेती करने वालों ने आंदोलन किया जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह आंदोलन इतना प्रचंड और प्रखर था कि अंग्रेजों को इसके आगे घुटने टेकने पड़े। इस आंदोलन ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार को सारे देश में ख्याति दिलाई। इस सत्याग्रह के अवसर पर ही गांधी जी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भेंट हुई थी। बापू बहुत ही दूरदर्शी हैं, इसलिए मैंने अपने दृष्टिकोण को उनके सामने रखना नियम बना लिया है। यदि उन्होंने उसको मान लिया तो ठीक है, वरना मैं
उनकी सलाह को स्वीकार कर लेता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा से गांधी जी से भेंट के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके अनुयायी बन गए। वे सत्य अहिंसा के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, उन्होंने अपनी सज्जनता और सरलता को कभी नहीं छोड़ा। उनके इन्हीं गुणों के कारण गांधी जी भी उन्हें हृदय से प्यार करते थे। सन 1934 ईस्वी में बिहार भूकंप के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी बेजोड़ संगठित शक्ति का परिचय दिया। भूकंप की विभीषिका से बिहार की जनता तिलमिला रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से यह पीड़ा देखी नहीं गई। वह बीमार थे, लेकिन अपनी बीमारी की चिंता न कर वह सहायता कार्य में लग गए। वह उन लोगों के लिए जिनके घर नष्ट हो गए थे भोजन, कपड़ा और दवाइयाँ इकट्ठी करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, सादगी और समाज सेवा की घटनाएं अनेक हैं। अपने को विशिष्ट या अन्य लोगों से अलग समझने की भावना उनमें कभी नहीं रही। एक अवसर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना से दरभंगा जा रहे थे। उस समय अत्यंत भयानक गर्मी थी। रास्ते में सोनपुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो लोग प्यास से बुरी तरह त्राही त्राही कर रहे थे। कुछ ही दिन पूर्व आए भूकंप के कारण स्टेशन के नल की व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। एक छोटी सी प्याऊ थी जहाँ पर बैठा अकेला व्यक्ति सबकी आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहा था। उन्होंने तत्काल अपना लोटा उठाया और पानी भर भर के लोगों को पिलाने लगा। लोग उन्हें आवाज़ देते, ये पानी इधर, पानी लाना, और यह सुन डॉक्टर प्रसाद उधर ही दौड़ पड़ते। कहीं कोई संकोच या झिझक नहीं। अपनी समाज सेवा से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशव्यापी ख्याति मिली। वह महात्मा गांधी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह देश के अग्रणी नेता बन गए। सन 1934 ईस्वी में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उनके रोम रोम में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति एवं सहिष्णुता व्याप्त थी। उनकी देशभक्ति, अमूल्य त्याग और सच्चाई के लिए भारत की जनता ने उन्हें देश रत्न की उपाधि दी। सन 1950 ईस्वी में संविधान सभा ने उन्हें स्वतंत्र भारत का राष्ट्रपति चुना। बाद में 1952 ईस्वी में आम चुनाव के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वे सन 1962 ईस्वी तक लगातार दो बार भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए वे 10,000 रुपये के वेतन के स्थान पर केवल 2,800 रुपये वेतन लेते थे। 12 वर्षों के लिए राष्ट्रपति भवन उनका घर था। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सरलता, सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति गहन आस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। अपने व्यक्तिगत मित्रों और परिचितों का स्वागत वे अपने पारंपरिक तरीके से ही करते थे। उन्होंने एक बार सांसद सदस्य श्रीमती सुमित्रा कुलकर्णी और उनके पति श्री गजानन को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। इसका वर्णन करते हुए श्री कुलकर्णी ने लिखा है, मैं सोचती थी कि हम लोग पाश्चात्य ढंग से औपचारिक भोज पर जा रहे हैं, मगर भोजन के लिए राजेंद्र बाबू हमें एक छोटे से भोजन के कमरे में ले गए। वहाँ गोल मेज पर हम तीनों के लिए थालियाँ लगी थी और राजवंशी देवी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जी की पत्नी, हमारा भोजन गर्म कर रही थी और परोस रही थी। मैं और गजानन जी राजेंद्र बाबू की सरलता पर चकित थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सामान्यतः कभी क्रोध नहीं आता था और न ही कभी आवेश में आकर किसी को भला बुरा कहते थे। यदि कभी ऐसा हो जाता तो बाद में क्रोध शांत होने पर बड़े दुखी होते और उसका पश्चाताप करते। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पुराना नौकर था तुलसी। जब वे राष्ट्रपति भवन में रहते थे तब एक दिन उनके कमरे की सफाई करते हुए तुलसी से हाथी दांत का पेंट डेस्क मेज से गिरकर टूट गया, स्याही कालीन पर फैल गई। राजेंद्र प्रसाद बहुत गुस्सा हुए। यह पेन किसी की भेंट थी, उन्हें बहुत प्रिय भी थी। उन्होंने तुरंत तुलसी को अपनी निजी सेवा से हटा दिया। उस दिन व्यस्तता के बावजूद उनके दिल में एक कांटा सा चुभा रहा। उन्हें लगा उन्होंने तुलसी के साथ अन्याय किया है। उन्होंने शाम को तुलसी को अपने कमरे में बुलाया। तुलसी डरता हुआ भीतर आया। उसने देखा कि राष्ट्रपति सिर झुकाए और हाथ जोड़े उसके सामने खड़े हैं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुलसी मुझे क्षमा कर दो। तुलसी इतना चकित हुआ कि उससे कुछ बोला नहीं गया। राष्ट्रपति ने फिर नम्र स्वर में दोहराया, तुलसी तुम क्षमा नहीं करोगे क्या? इस बार सेवक और स्वामी दोनों की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र थी। एक बार अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में एक प्रस्ताव पेश किया जाना था जो कहीं खो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता चला तो उन्होंने पूर्ण आत्मविश्वास से कहा, चिंता न करें, मैं उसे फिर तैयार कर देता हूँ। उन्होंने स्मरण शक्ति के आधार पर जो प्रस्ताव तैयार किया वह मूल से पूर्णतः मिलता था। इसकी पुष्टि सबने की। आज हिंदी भाषा के अनन्य पुजारी के रूप में भी उन्हें याद किया जाता है। उन्होंने हाई स्कूल तक
हिंदी माध्यम से शिक्षा दिलाने तथा विश्वविद्यालयों में हिंदी को सर्वोच्च स्थान दिलाने के लिए अनेक उपाय किए। हिंदी को राजभाषा बनाने का श्रेय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही जाता है। इसके साथ ही वह मानते थे कि यदि हमें आधुनिक विश्व के साथ अपनी गति बनाए रखनी है तो अंग्रेजी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने स्वयं भी कई ग्रंथ लिखे। सन 1962 ईस्वी में राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न की सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण कृतियाँ आत्मकथा, इंडिया डिवाइडेड, बापू के कदमों में, संस्थापक लानविकली, चंपारण में सत्याग्रह, महात्मा गांधी एवं बिहार सम रेमिनिसेंसेज, संपादन साप्ताहिक देश। अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 ईस्वी में उनका देहांत हुआ। इस तरह से बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के लिए एक अमूल्य धरोहर थे। उन्होंने हमारे देश के विकास में और स्वतंत्र दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। सभी बच्चे इस पाठ को पढ़ेंगे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद बच्चों, पाठ समाप्त हुआ।